इस टाइम इंडिया का सबसे पॉपुलर और फेवरेट लीडर जो है ना वो मोदी है, और मुझे नरेंद्र मोदी के अलावा इनके किसी लीडर का नाम ही नहीं आता। इंडिया को वो एक डिफरेंट पैरामीटर में किसी एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पे लेके गया हुआ है, तो इंडिया वाले उसको सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली। वो क्या कहते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इतने सारे ही चोर ने लाइन लगी है चोरां दी, ठीक है। अब वो अपने आवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल हमारे पास हमारे से टैक्सेस 100% काटे जा रहे हैं, रिलीफ क्या मिल रहा है। आप दोस्तों, जब ये वीडियो पब्लिक होगी तब तक पता चल जाएगा कि किसकी गवर्नमेंट इंडिया में बनेगी, कौन पीएम बनेगा। लेकिन अभी बहुत कांटे की टक्कर चल रही है, रुझान चल रहे हैं, गिनती चल रही है वोटों की। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि भाई कौन बनेगा पीएम, और अगर मोदी बनता है तो क्या होगा, और राहुल गांधी बनता है तो क्या होगा। साथ ही साथ आप जानिए कि जो पाकिस्तानी है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो बीजेपी है उसने तो जो चुनावों में धांधली वगैरह की है। तो सारे ओपिनियन आपको पता चलेंगे। अब आप सोचोगे कि भाई इंडिया के चुनाव पर हम पाकिस्तानियों के रिएक्शन क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का रिएक्शन बहुत ज़रूरी होता है एंटरटेनमेंट के लिए। अभी बहुत लोग दोस्तों टेंशन में आएंगे, बहुत लोगों को खुशी होगी, तो ऐसे में थोड़ा सा उनके ओपिनियन जानकर आपको थोड़ा हैप्पी मूड हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ कि इंडिया के चुनाव पर उनके क्या रिएक्शन है। इंडिया की तो वो जैसा भी है मोदी, हमारे पैरामीटर्स उसके लिए जैसे भी हों, लेकिन उसने इंडिया को डिलीवर किया हुआ है। इंडिया का वो एक डिफरेंट पैरामीटर में किसी एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पे लेके गया हुआ है, तो इंडिया वाले उसको सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली। वो अगर हम उसको मज़हब लेके आना है, दूसरी चीज़ें बीच में लेके आनी है, वो एक डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। लेकिन मैंने जैसे जमहूरियत की आपको डेफिनेशन बताई है, उस डेफिनेशन को अगर हमने देखना है, वो मेरे ख्याल में इंडिया का उसमें पूरा उतर रहा है। दूसरी जानब और उनके जो अदारे हैं वो भी, उनकी भी लिमिटेशंस हैं, और अदारे अपने हद तक रह के सारे उन्होंने उस अपनी लिमिटेशन को क्रॉस नहीं कर रहे, ठीक है। सबसे बड़ी भूल ना पाकिस्तानियों की ये है, ये अपने आप पे कुछ नहीं करते, अगले पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। वो कर ले हमारे लिए, यार खुद काबिल बनो, इस काबिल बनो। अब लोग जो है वो जितनी भी न्यू जनरेशन है ना, उसकी यही सोच है कि पाकिस्तानों बाहर जाइए कुछ कमाइए, पाकिस्तान च कुछ है ही नहीं। ये हमने हाइप क्रिएट की है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है। मोदी आ गया, मोदी छा गया, ये जो जुमला ना बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। यहाँ पे मैं जस्ट 3 पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी जिसको मद्देनज़र रख के इंडियंस लोग मोदी जी को वोट करेंगे। जो पहला मैं बात करूँगी, 370 आर्टिकल 370, ये बहुत ही बड़ा मसला था कश्मीरियों के लिए, और इस मसले को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता था। इवन के कांग्रेस ने तो लोगों के दिल में इतना खौफ पैदा कर दिया था कि आर्टिकल 370 अगर ख़त्म कर दिया जाएगा तो कोई तिरंगा नहीं उठा सकता, किसी को अपनी मजहबी आज़ादी नहीं होगी। लेकिन मोदी जी के आने की वजह से, मोदी जी के इस स्टेप की वजह से, ना सिर्फ उन्होंने 370 को ख़त्म किया, इवन के उन्होंने लोगों को वो बिलीव दिलवाया कि कश्मीर तरक्की भी किया। कश्मीर तीसरी सबसे मेन रीज़न है चंद्रयान, इसने पूरी दुनिया पे धूमे मचा के रख दी। इवन कि तुम क्या, मैं क्या, पाकिस्तान के जितने यूट्यूबर्स हैं, जितना हमारा सोशल मीडिया है, वो इसको पूरे एक महीने तक डिस्कस करता रहा कि भाई भारत एक ऐसी कंट्री है जिसने साउथ पोल पर सबसे पहले लैंडिंग की, अपना तिरंगे को लहराया, टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाई कि मेरे पास कितनी हाई टेक्नोलॉजी है। 500 मिलियन का जो है ना वो मुल्क है, और वहाँ पे जो है ना वो फिर भी वोटिंग रेशियो आप चेक करें ना तो अराउंड जो है ना ये less than 50% बनती है, अराउंड जो है ना वो 45 से जो है ना वो 50 के दरमियान में। और अगर आप पाकिस्तान में भी जो है ना वो वोटिंग का चेक करें तो वो भी जो है ना वो परसेंटेज जो है ना वो सेम ही फॉल करती है। लेकिन ये क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, सो इस वजह से ऑब्वियसली बात है इतने वोट तो कहीं पे कास्ट नहीं होने थे जितने जो है ना वो वहाँ पे होने थे। बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहा हूँ, हर मार्केट में काम किया हुआ है, और मुझे नरेंद्र मोदी के अलावा इनके किसी लीडर का नाम ही नहीं आता, ठीक है। मतलब बंदा वो वही जो है नज़रों के आगे है, क्योंकि वो दुनिया का पॉपुलर तरीन लीडर है, दुनिया का पसंदीदा तरीन लीडर है। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में हर मुल्क के साथ, हमारे खान साहब की तरह, उन्होंने तमाम ममालिक के साथ बना कर रखी हुई है। हालांकि अगर हम पाकिस्तान में जब हम इलेक्शन पर बात करते हैं कि इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जी नरेंद्र मोदी तो एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम जो है पॉलिसीज बनाते हैं, उस पर जो है वोट गेन करते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने उसको बड़ी दफ़ा मुस्लिम्स के हक में जो है ना बात करते हुए सुना है, और बेसिकली जैसे अब ज़्यादातर इशूज़ आते हैं अहले तशी के लिए, अहले तशी पार्टी के सबसे ज़्यादा इशू होता है ना, तो उस बड़ा उसने सपोर्ट किया है इस बिहार पे, तो ये तो गलत बात है जिसने भी ये बात कही है। भी इख्तलाफात के बावजूद जो है उनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है, वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट है इस वक्त इंडिया पूरी दुनिया में, और उनकी डेवलपमेंट को देखा जाए तो बिल्कुल ही डिज़र्व द दिस पोजीशन
नरेंद्र मोदी ये पोजीशन डिजर्व करता था, वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है। डजंट मैटर कि वो कहाँ से उठ के कहाँ आया, बात यह है कि उसने अपने आप को मनवाया। उनकी करनाला स्टेट इस वक्त देखिए कि दुनिया आईटी की तरफ मूव कर रही है, दुनिया जदीद हो रही है, मतलब डेवलपमेंट हो रही है आईटी सेक्टर में, तो उनकी करनाला स्टेट जो है वो उस वक्त दुनिया में इस वक्त नाम है उसका कि आईटी सेक्टर में बड़ी अचीवमेंट है। और अगर हम आज की बात देखें तो उन्होंने रावी पे, हमारे लिए तो ये बड़ी अफसोस की बात है, रावी पे उन्होंने डैम बना लिया बाकायदा अपना। आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी कैसे बनती है। अच्छा, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है हमारी जो डेमोक्रेसी बनती है वो किसी के इशारे पे बनती है, और जो नेबर्स कंट्री में डेमोक्रेसी बन रही है वो आपको पता है वोटिंग सिस्टम के जरिए बन रही है। अगर यहाँ पे भी वोटिंग सिस्टम वाला मामला बन जाए और यहाँ पे एक्चुअल वोटिंग से हमारा कोई लीडर आए तो मैं नहीं समझता वो 5 साल से पहले जा सकता है। नहीं, वोटिंग तो इधर भी होती है, आपने जो बात किया वोटिंग सिस्टम की, वहाँ पे वोटिंग सिस्टम है, यहाँ पे नहीं, वहाँ पे अभी आज या मतलब कुछ ही टाइम में, यानी कि 64 करोड़ वोट डले और कुछ ही टाइम में रिजल्ट आने वाला है। खबरों के मुताबिक फिर से जोन से वो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए वो बेहतर होगा कि नहीं? अगर मैं ना नून लीग की बात करूंगा, ना पीटीआई की बात करूंगा, ना नेबर कंट्री की बात करूंगा। हाँ। आप सिर्फ ये चीज समझ लें कि अभी तक हमें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 ही क्लियर हो रहे हैं कि वो किसके हक में किसके हक में नहीं। आज की आपने न्यूज देखी है कि जो फॉर्म 47 वाला केस था वो ट्रिब्यूनल के पास जाने के बजाय वो फिर इलेक्शन कमीशन के पास चले गया कि हमें इंसाफ दिया जाए। और ये बताएं कि मुझे वो जा क्यों नहीं रहे, उनके अगर फॉर्म 45-47 क्लियर है तो उनके पास जाए तो सही एक दफा। और वैसे मतलब यह है कि हमें शौक ही होता है या हम ये कोशिशें करते हैं कि हर चीज में मुकाबला करें। एक साइड पे 1 करोड़ तकरीबन 40 करोड़ की बात है, उनके इलेक्शन भी हुए और मतलब वोटिंग भी हुई और उसके बाद रिजल्ट भी आ रहा है। हमारे इधर सिर्फ 24-25 करोड़ ऑलमोस्ट आबादी है और वोटिंग के बाद आज तक कोई डिसाइड की आबादी के लिहाज से देख लें, हम उनके 1/4 भी नहीं बन रहे बिल्कुल। और हमारी अगर 24-25 करोड़ की आवाम है ना, हमारा वोटिंग सिस्टम ही नहीं हमें मिल रहा। ओवरसीज को हमने वोटों के राइट दिया, वो दोबारा वापस ले लिया। अब वो देखें, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो नहीं चाहते, वो इतने पैसे अरबों रुपया भेज रहे हैं बाहर से, उनका वोट नहीं कास्ट होना चाहिए, होना चाहिए था, उनका राइट ही खत्म कर दिया गया असेंबली में आके, तो कहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते। आप कहते 5 साल चले, मैं समझ तो 1.5 साल चल जाए बड़ी बात है, अगर ये उनकी उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरती पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आपको लगता है 1.5 साल नहीं चले? ये उनकी उम्मीदों पे पूरी नहीं चलती तो आप देख लें कि रिलीफ मिलना शुरू हो गया। खान साहब को आज भी रिलीफ मिल रहा है। हाँ। देखे आपको रिलीफ बिल्कुल, मजीद उनका जो वो केस था साइफर वाला, उसमें उन्हें रिलीफ मिल गया। आज मेन केस था और जिसकी वजह से गद्दारी का उनपे मुकदमा हुआ था, तो आज वो भी देख लें वाले टाइम में वो कहाँ हम कहाँ होंगे। बस ये हमें जो है ना दूसरे ममालिक से सीखना चाहिए कि अपने मुल्क को बेहतर बनाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैं हुक्मरानों से जो है ना अच्छी उम्मीद ही रखूंगा कि वो जो है ना बेहतरी की तरफ इस मुल्क को लेके आए, ताकि जितने भी परेशानियाँ या मुसीबतें हैं या जितने सोसाइटी वगैरह जो लोग कर रहे हैं वो जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाए और जो है ना मुल्क अच्छी तरफ जो है ना गामजन हो जाए। जबरदस्त हो गया। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? और आपका नाम? इरफान अनवर। ठीक हो गया, क्या करते हैं थोड़ा सा अगर ऊंची बोले आप? हमारा काम है अपना प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का कैसा चल रहा है आजकल? तो हालात डाउन है मुल्क के, जैसे मुल्क के हालात डाउन है वैसे ही प्रॉपर्टी के बिजनेस के हालात डाउन है। अच्छा, अगर हम बात करें पाकिस्तान की और साथ इंडिया की, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी, वहाँ पे भी इलेक्शन सिस्टम, यहाँ पे भी इलेक्शन सिस्टम। वहाँ पे अभी इलेक्शन हुआ है, 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की या वोट डाला, और जो बीजेपी जो नरेंद्र मोदी की पार्टी है तीसरी बार गवर्नमेंट बनाने जा रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मतलब यहाँ पे और वहाँ पे क्या फर्क है? यहाँ पे भैया ये फर्क है कि पाकिस्तान में असल में गवर्नमेंट को पूरा टर्नओवर करने ही नहीं दिया जाता। ठीक है, जब तक पूरा टर्नओवर नहीं करेंगे, डिलीवर नहीं करेंगे, तो किस तरह मतलब आप इसको देखेंगे? तो ये सूरत हाल है यहाँ और वहाँ। उधर उधर जरी बात है, वो अपने काम करते हैं, उनको हर तरह का रिलीफ मिलता है, ठीक है, इस वजह से वो अपने वो कामयाब है। ठीक है, वैसे वहाँ का कौन सा ऐसा लीडर आपके ख्याल से जो पाकिस्तान को सूट, हमारे कंट्री को सूट करता है? हमारे कंट्री को उनका कोई लीडर भी नहीं सूट करता। ठीक है, अच्छा पाकिस्तान की बात करें, मौजूदा गवर्नमेंट क्या पब्लिक की मुश्किलात को कम करती नजर आ रही है? इंशाल्लाह नजर आ रही है, पब्लिक आपके सामने चीजें कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे ये भी है कि अभी मतलब पूरी तरह नहीं, क्योंकि IMF का भी आपको दबाव है, दबाव है, जिसकी वजह से वो एक साइड पे सोचते हैं तो फिर उन्हें फिर दूसरी साइड पे सोचना पड़ता है। ठीक है, उनकी भी बात माननी पड़ती है। जैसे वो पेट्रोल करना था कम काफी ज्यादा, लेकिन वो नहीं किया गया। ठीक है, बस ये मेन वजह है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह
गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने दे ये चीज मेन चीज। हाँ वो नहीं डिलीवर करती अगले बंदों को चाहिए, ठीक हो गया। इस तरह नहीं है कि बीच में ही एक दूसरे की टांगे खींचना शुरू कर दें, उसकी वजह से मतलब आपका कि स्टेबिलिटी आ जाए वो नहीं आ सकती। आप क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे क्यों स्टेबिलिटी है पॉलिटिकली और यहाँ पे क्यों नहीं? देखे तीसरी बार एक जो पार्टी है वो गवर्नमेंट बनाने जा रही है इंडिया। पहली बात तो ये कि मैं आपको कहूँ, मैं हूँ जमहूरियत के खिलाफ। अच्छा, डेमोक्रेसी के है ही खिलाफ? मैं जमहूरियत के खिलाफ हूँ, मैं सदारती निज़ाम की को फेवर करता कि एक ही बंदा जो है वो मुल्क को लीड करे। ठीक है, उसकी रीजन क्या है? लेट्स सपोज वैसे तो हमें ये बताया जाता है कि भाई पूरी दुनिया में जो सबसे इस टाइम बेहतर सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो हमें बताया जाता है। आप अगर कहते हैं सदारती वो या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो कैसे बेहतर फॉर्म? मैं इसलिए कहता हूँ, देखिए जी मेरी बात सुनिए, कि हमें उर्तुगुल गाजी की एक मिसाल दें हमारे सामने। ठीक है, वो ड्रामा देख रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो उस बुक में तो सल्तनत उस्मानिया होती थी, तो ठीक है एक ही उनका बादशाह होता। ठीक है, वो तो फिर आप ये कहते हैं कि इस्लामिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। आप मुझे ये बताएं सिंपल दैट कि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो मुझे ये बताएं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के होते हुए हम कौन से इस्लाम के रूल्स के ऊपर फॉलो कर रहे हैं? मेरा भी इस्लाम बुक लॉ के मुताबिक अगर आप चोरी करेंगे तो आपका हाथ काट दिया जाए। ठीक है, अगर आप जना या कोई इस तरह का करेंगे तो आपकी गर्दन काट दी, जैसे सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो वो कितना सिस्टम हम अपने ऊपर यहाँ पे राइज किया हुआ है कि जो जिसके ऊपर हम अमल कर रहे हैं। आपके ख्याल से कौन सा ऐसा कंट्री है आपको लगे कि यार ये वाला कंट्री, सऊदीया, तुर्की, यूएई, कोई कंट्री ऐसा कि यार ये इस्लामिक कवानीन के मुताबिक या इस्लाम के मुताबिक गवर्नमेंट बना के रखे हुए? देखे जी 100% तो कोई भी नहीं। अच्छा, मेरे हिसाब से। अच्छा, ठीक है, क्योंकि बीच में आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट वाला सीन भी हो जाता है या कोई भी जमहूरियत वाला सिस्टम हर जगह पे है। ठीक है, मगर कुछ निज़ाम बहुत बेहतर है। जैसे मैं आपको फर्दर आपको एक मिसाल दे देता हूँ, हमारा नेबर मुल्क है ईरान। ठीक है, ठीक है, पूरी दुनिया की उसके ऊपर पाबंदी ऐसे ही है। ठीक है, सैंक्शंस हैं। ठीक है, सैंक्शंस हैं। ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बावजूद भी उनके लोग बड़े खुशहाल हैं। ठीक है, वो खुशहाली की जिंदगी, आप यकीन माने कि आप उनके कंट्री में विजिट करके देखें। आपका विजिट हुआ? मैं विजिट करके आया हूँ। ठीक है, तो ईरान, इराक, आप वहाँ पे जाएं, मशहद में जाएं, तेहरान में जाएं, आप यकीन माने कि मैं आपको एक ऐसी मिसाल दे देता हूँ कि आप सड़क पे बैठ के रोटी खा सकते हैं कि इतनी सफाई सुथराई है। ठीक है, उसके अगेंस्ट हम इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान और चार चार दफा की हुकूमतें, पांच पांच दफा की हुकूमतें, ठीक है, और वो भी पूरी नहीं कर पाती, वो भी पूरी नहीं कर पाती, और किस वजह से वो बताने की जरूरत ही नहीं। अच्छा नहीं, अगर जैसे अगर नेबर की बात करें 1947 से हम किससे अलग हुए? हम बांग्लादेश, 1947 में किससे? 47 से हम इंडिया से। ठीक है, अगर हाँ वो आज किधर है गवर्नमेंट में और हम किधर हैं? उसका भी मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता दूं कि सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ना वो है एजुकेशन लैब्स। ठीक है, जो वहाँ पे एजुकेशन है, एजुकेशन का। अब मैं आपको उसकी ऐसे मिसाल दे देता हूँ कि मैं दो तीन कंट्री यूएई, श्रीलंका और बैंकॉक में जाता हूँ। ठीक है, वहाँ पे मैं गया हूँ तो वहाँ पे मैंने जो चीजें देखी है मैं हैरान परेशान हूँ। वहाँ पे सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी और टॉप लेवल पे है ना वो इंडियंस है। अच्छा, क्यों? उनकी प्रायोरिटी ये है कि उनकी एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, वो पढ़े लिखे है टॉप लेवल पे वो है। सेकंड पे हमारे मिसाल दे रहे हैं कि सेकंड पे हमारे अफगानिस्तान के जो पठान है वो सेकंड। अच्छा, सेकंड टीयर पे है, यानी हम पाकिस्तानी अफगानिस्तान या बांग्लादेश से भी उसके नीचे। और ये मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने कोई लगी लिपटी आपसे बात। सारी बात है, अगर लेट्स सपोज हर पाकिस्तानी की तो कोशिश उल्टा ये होती है कि अपने पाकिस्तान को हम आगे ऊपर बढ़ा के बताएं, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे मैंने भी यूएई का जब विजिट किया वहाँ पे मल्टी, जैसे लुलू मॉल या इस तरीके से बहुत सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या बड़ी बड़े ब्रांड्स हैं जो उसके हेड हैं वो इंडियन है। वो इंडियंस हैं, क्यों? उनकी एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, ट्रस्ट किया जाता है, ट्रस्ट किया जाता है, एजुकेशन लेवल उनका बहुत अच्छा है। उसकी अगेंस्ट हमारे जो लोग हैं इनमें वो जो पंजाबी में कहते हैं कि इनकी गर्दन में सरिया है। ठीक है, ये वो काम करना नहीं चाहते, इनका एजुकेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारी एजुकेशन देख लें,
कि कहाँ पे गई हुई है? नहीं, मेरा सवाल शायद आप समझे नहीं या मैं समझा नहीं पाया कि वहाँ पे क्यों गवर्नमेंट प्रॉपर चलती है, वहाँ पे जो उनसा वो कोई प्राइम मिनिस्टर का टाइम पूरा हुए बगैर उसे उतारा नहीं जाता, वहाँ पे एजुकेशन कैसे आ गई? सफर तो इकट्ठे स्टार्ट किया ना, मेरा मकसद ये है हम किधर पीछे रह गए? अभी ये देखें प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है तीसरी बार उनकी गवर्नमेंट बनने जा रही है, तीसरी बार, बहुत बड़ी बात है। छोटी बात है कि नहीं? बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसकी सबसे मेन जो फैक्ट है, क्या मुझे ये बताएं कि जिस तरह हमारे आर्मी चीफ साहब का नाम हर खबर में हेडलाइन पे होता है, अच्छा, हर टिकर में होता है, ठीक है, उनके आर्मी चीफ का तो नाम ही नहीं है वहाँ पे, यानी कि इसका मतलब है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट उनकी हुकूमत में कोई ट्रबल पैदा नहीं करती। अच्छा, वहाँ पे हुकूमत आती है, वो अपना टेनोर पूरा करती है, वो डिलीवर करती है, वो 100% ना भी डिलीवर करे 90% वो टाइम पूरा करती है, उसके बाद लोगों की राय है, उन्होंने वोटिंग से करना है, ठीक है, उसमें अच्छा, भी कोई ट्रबल नहीं। एक चीज ये बताइएगा कि कौन सी गवर्नमेंट वहाँ पे, कौन सी बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की, आम आदमी की, या किसकी गवर्नमेंट हो जो पाकिस्तान को सूट करती हो, मतलब पाकिस्तान के साथ रिलेशन फिर बेहतर होने की उम्मीद हो? उसमें बीजेपी भी ठीक है, क्योंकि वो इधर आए, वो जब नवाज शरीफ साहब की साथ एक फंक्शन पे आए, वो भी ठीक है, वो भी अभी जारी बात है, वो वर्क कर रही है, डिलीवर कर रही है। इस तरह उनके दो, एक उनकी मेरे ख्याल आम आदमी पार्टी जो है उसने अपने सूबे में इतना अच्छा डिलीवर किया कि उससे बेहतर कोई रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अच्छा, जो लोग वहां से देख रहे हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान की खास तौर पे अगर हम लाहौर की या पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी के काफी ज्यादा ये हमें सुनने में आता है कि भाई उन्होंने फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री हॉस्पिटल, फ्री स्कूल, ऐसा कोई ऐसा सिस्टम बना रखा है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा हमारे यहाँ पे ऐसी कोई गवर्नमेंट क्यों नहीं आ पाती या कोई ऐसा पॉलिटिशियन क्यों नहीं आ पाता जो हमें आगे लेके चले। उसके लिए माजरा से मैं बहुत तलख बातें करूंगा कि प्रॉब्लम ये है कि जब से 1947 से हमारा मुल्क चला था, जी, अलग हुए हम अलग हुए, हमारे अंदर एक जो जिसको वडेरा शाही निज़ाम कहते हैं ना, वो ख़त्म नहीं हुआ माजरत के साथ, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हर बंदा यही कहता है कि वडेरे हमारे नीचे, हमारे मजेरे, खास तौर पे सिंध के एरिया में, बलोचिस्तान के, पीके, पंजाब में भी है, आप सिंध पंजाब उनको ना सारे हर इलाके में, वो जो वडेरा शाही निज़ाम है ना, जब तक वो निज़ाम ख़त्म नहीं होगा हमारा मुल्क कभी सही नहीं होगा, जो मर्जी आपका, ठीक हो गया। और तो ये सही, ये निज़ाम, ये सिस्टम को किसने बेहतर करना है, आप करेंगे, मैं करूँगा, आप? हम नहीं, हमने ही अवाम ने ही करना है, मगर अवाम को करने के लिए एजुकेशन चाहिए, ये चीज है। तो एजुकेशन कहाँ से आएगी? नहीं, उनके पास एजुकेशन कहाँ से आई, वो स्कूल कॉलेज ही गए, तो हमारे इधर भी तो स्कूल कॉलेज है। उनका तदरीसी निज़ाम बहुत बेहतर, एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर। मैं उसकी आपको छोटी सी मिसाल दे दूं कि वहाँ पे जो स्वीपर काम करता है, उस बंदे की उसकी एजुकेशन और इंग्लिश का एक्सेंट इतना जबरदस्त है कि हमारे यहाँ पे जो MNA MPA उतनी इंग्लिश नहीं बोल सकते। ये ज्यादा नहीं हो गया सर? ज्यादा नहीं, नहीं। ये बिल्कुल, मैं जेन्युइन आपको बात कर रहा हूँ, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो, ठीक है ना, जो बात मानने वाली है वो माननी है। नहीं, हमें तो इधर ये बताया जाता है कि उधर गुर्बत और उधर पता नहीं बाथरूम नहीं, और ये गुर्बत तो हर मुल्क में है। अच्छा, गरीब लोग तो हर मुल्क में, अफगानिस्तान। अब अगर आप गुर्बत की बात करते हैं, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर कितना है? 350 से अबव है। नहीं, 280 है, ठीक है। आप अफगानिस्तान में चले जाए, वहाँ पे 80 और 90 के दरमियान है, ठीक है, वो पहाड़ों वाला मुल्क है, ठीक है। उनके लोग, मैं एक मिसाल देता हूँ कि जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट का कोच हूँ, अफगानिस्तान के लोग यहाँ पे पिशावर में आके क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, ठीक है। अब वो हमें आके दिखाते हैं, हमने उनको पाला पोसा, उनकी हेल्प की। देखिए, ये नहीं है कि हमने कोई बहुत फख्र की बात, ये अल्लाह ने हमें दिया, हमने उनको दिया। गाइस, ये वीडियो था, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।